वेलकम बैक। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पाठ दो के विषय में पढ़ेंगे। सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 में पाठ दो एक देवांगना चंद्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका शिवानी जी हैं। यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि विषम परिस्थितियों में साहस का त्याग न करने वाले लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। इस कहानी में अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प तथा लगन के बल पर विजय प्राप्त कर अपराजिता बनी रहने वाली एक विकलांग महिला के बारे में कहा गया है, जो अन्य के लिए श्रोता स्रोत बनी, प्रेरणा स्रोत बनी। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे वंचित नहीं किया। इस पाठ के माध्यम से लेखिका इसी बात को कहना चाह रही है। शुरुआत में हम लोग पहले इस पाठ का कुछ सारांश समझ लेते हैं, फिर हर एक पंक्ति का अर्थ समझते चलेंगे। तो यहाँ लेखिका ने जो है इसी बात कथन को सत्य करने के लिए एक उदाहरण दिया है, एक विकलांग महिला के बारे में बतलाया है जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। लेखिका कहती है कि हम में से कौन ऐसा है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। लेखिका कहती है कि मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है। अभिशप्त का अर्थ होता है शापित, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक और आनंदित मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस करके नहीं, कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश में प्रगति कर सकता है। लेखिका ने यहाँ एक ऐसी ही अपराजिता विकलांग लड़की की कहानी के बारे में बतलाया है जिसका नाम चंद्रा है। उसे बचपन से ही पोलियो हो गया था। उसके गले के निचल उसके गले से निचला भाग जो था वह बेजान सा हो गया था। चंद्रा की माता, जिनका नाम टी सुब्रमण्यम है, उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने एक सर्जन से एक वर्ष तक चंद्रा का इलाज करवाया जिससे उसकी ऊपरी धड़ में हरकत आ जाए, निचला धड़ बेजान ही रहा। काफी मशक्कत के पश्चात, इलाज हो जाने के पश्चात ऊपरी हिस्से में तो हरकत आई, परंतु निचला हिस्सा निर्जीव सा पड़ा रह गया। माँ ने उसे सहारा देकर उठना बैठना सिखाया। चंद्रा, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसने पढ़ाई शुरू कर दी। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से बड़ी मिन्नत करने के पश्चात उसकी माँ चंद्रा के बेंगलोर के माउंट कार्मेल स्कूल में उसका दाखिला करवाती है। स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था कि कौन आपकी पुत्री को व्हीलचेयर में क्लासरूम में घुमाता रहेगा, लेकिन श्रीमती टी सुब्रमण्यम कई वर्षों तक अपनी बेटी को स्वयं क्लासरूम में घुमाती रही। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, उसे स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ। प्राणी शास्त्र में एमएससी किया जिसमें चंद्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर ठना के निर्देशन में
5 साल तक शोध कार्य भी किया। अंततः विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी जिनमें उसकी उदासी का चित्रण हुआ था। लेखिका ने जब उसे पढ़ा तो लेखिका ने जाना कि किस प्रकार से चंद्रा का कविताओं के प्रति भी शौक है। उसने लेखिका को अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने भी दिखाए। राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक पाने वाली वह पहली अपंग बालिका थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में उसकी जननी का बड़ा सा चित्र था जिसमें वे जैसी बंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी और उस पुरस्कार का नाम था वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्र की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती उस जननी की व्यथा भी है जिसके नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाती लौंगे होठों पर विजय का उल्लास जूड़े में पुष्प बेनी। लेखिका कहती है कि मेरे कानों में उस अद्भुत सासी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जमानों जैसे घूम रहे हैं। और वे शब्द क्या थे? वे शब्द थे कि ईश्वर जब सब द्वार बंद कर देता है तो कोई ना कोई एक द्वार अवश्य खुला रहता है, दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। तो इस प्रकार से हमने एक देवांगना चंद्रा या जो कहानी है एक बालिका के बारे में उसका उसके सारांश को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक खंड और फिर उसके बारे में जानेंगे। एक देवांगना चंद्रा, पहला जो अवतरण है कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो उस अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। यहाँ ये पंक्तियाँ जो है हमारे पाठ्य पुस्तक के राष्ट्रभाषा भारती से ली गई है जिसकी लेखिका जो है शिवानी है। इस गद्यांश में लेखिका ने एक दिव्यांग की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक जो है वर्णन किया है। कभी कभी हमें ऐसे विकलांग व्यक्ति भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन का खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। तब हमें यह एहसास होता है कि भले ही ईश्वर ने हमें कुछ विपत्ति दी है परंतु हमारे शरीर के किसी अंग को तो नहीं छीना। फिर भी हम सब विपत्ति में भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। इस गद्यांश में लेखिका ने एक विकलांग लड़की को जब देखा जिसने खुशी से यातना झेलकर जीवन में संघर्ष किया, सफलता पाई और ईश्वर को दोष कभी नहीं दिया। लेखिका आगे कहती है कि वह चंद्रा बड़ी ही आनंद मुद्रा से सभी कष्टों को झेल गई। लेखिका कहती है कि उसकी कोठी का अहाता एकदम से उसके बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी से वह पहली बार कार से जब उतरते हुए देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका आगे कहती है कि कार का द्वार जब खुला तो एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट के एक व्हील चेयर निकालकर उसके सामने रख दिया और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण लेखिका देखती है अपने घर के अहाते से कि धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता के साथ नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई। बड़ी तटस्थता से उसे वह स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई।
लेखिका कहती है कि मैं फिर हर रोज उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित सी रह जाती कि किस प्रकार से मशीन का बटन खटखटाती अपने काम किए चली जा रही थी वह लड़की। धीरे धीरे लेखिका कहती है कि मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो एकदम से मैं दंग ही रह गई कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका ने जब उसकी कहानी सुनी तो लेखिका को लगा कि भाग्य भी न जाने कैसा जो है किसी के साथ आघात करता है, परंतु वह छोटी सी लड़की उसने कभी भी जो है इन सारे कष्टों को बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक वह सहती चली गई और कभी भी उसने भगवान को नहीं कोसा। लेखिका आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरे उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघावी युवक पढ़े, जिसे लेखिका ने कुछ महीने पहले ही अपने बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने पीने के लिए उतरा, तभी गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में वह गिर पड़ता है। पहिए के नीचे उसका हाथ पड़ गया। प्राण तो उसके किसी तरह से बच गए, पर दायां हाथ उसका चला गया। दाई भुजा शरीर से अलग हो गया। साथ साथ जो है वह अपने मानसिक संतुलन खो बैठा। पहले तो वह नौजवान युवक दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, और जैसा कि अब वह पागल खाने में उसने शरण ले रखी है। नूर मंजिल, यहाँ नूर मंजिल का अर्थ होता है पागल खाना, जहाँ पर मानसिक रोगियों का इलाज होता है, नूर मंजिल की शरण में है। लेखिका कहती है कि केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए, और इधर बित्ते भर की वह लड़की चंद्रा, जिसका निचला धड़ एकदम से निष्प्राण हो गया था, निर्जीव पड़ा हुआ था, मांस पिंड मात्र था, सदैव जो है उत्फुल्ल रहती थी। चेहरे पर कभी भी विषाद की रेखा मैंने नहीं देखी। बुद्धि दीप्त आँखों में असह्य अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, कि वह बालिका जिसने इतना सब कुछ खो दिया, परंतु उसने अभी तक जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा, परंतु वह लखनऊ का नौजवान जो एक दायां हाथ केवल जो है शरीर से अलग, क्या हुआ कि वो उसे जो है पागल खाने में भर्ती करा दिया गया, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लेखिका जो है वही कहती है कि उस नौजवान युवक को यह जो है मेरी पंक्ति पढ़नी चाहिए थी। लेखिका कहती है कि आगे कि जब लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर, लेखिका का परिचय जब उस बित्ते भर की लड़की चंद्रा के साथ होता है, तब वह चंद्रा जो है वह कहती है कि मैडम आप तो लखनऊ जाते हैं, मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह पूछकर बताएंगे कि वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के विषय में कुछ सामग्री मिल सकती है। मैडम जैसा कि आप कह भी रही थी कि आपके दामाद जो हैं हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप भी मिल सकती है। यहाँ पर चंद्रा जो है वह लेखिका से ये सारी बातें करती है। लेखिका कहती है कि यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर भी प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है, कि छोटी सी घटना भी क्या घट जाए जीवन में तो बहुत कष्ट होता है, परंतु वह लड़की जिसका आधा हिस्सा निर्जीव सा था, आज वह जो है पढ़ने के बारे में बात कर रही थी, यह उसकी जीजी विषा ही थी।
और इधर लेखिका कहती है, यह लड़की जिसका पूरा निचला धड़ सुन्न है परंतु उसके शरीर की बोटी बोटी मानो जैसे फड़क रही है। लेखिका उसके बारे में बताती है और कहती है कि आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसके गर्दन के नीचे का पूरा निचला भाग जो था वह शरीर वह पोलियो के कारण निर्जीव हो गया था। उसने किस अद्भुत साहस से भाग्य को अंगूठा दिखाया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट भी उसने ली। लेखिका कहती है कि चंद्रा ने मुझसे एक बार कहा कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी में एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव कर सकूं। यह देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। यहाँ पर जो है, लेखिका को अपना अपनी प्रयोगशाला दिखाती है और कहती है किस प्रकार से सारे कार्य जो है मैं स्वयं कर लेती हूँ। माँ को तो अभी कार जो है चलानी पड़ती है, परंतु मैं जो है आविष्कार करना चाहती हूँ, ऐसी चीज बनाना चाहती हूँ ताकि मैं स्वयं कार को भी चला सकूँ। लेखिका कहती है कि उसने मुझे तस्वीर दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी, निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह हर कार्य अपने मनचाही सामग्री को मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज इस पटुता के पीछे, आज वह यह जो सारा कार्य बड़ी सुगमता पूर्वक कर रही थी, इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो हम पाते हैं, लेखिका कहती है कि एक सुदीर्घ कठिन और अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका, कि उन सारे कार्यों को करने के लिए कितना उसने मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में कि हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो वह यह डॉक्टरेट की संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए थी। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम जी को, ऐसा जो है चंद्रा के प्रोफेसर का मानना था कि इन सब के पीछे जो है चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम जी का भी काफी योगदान रहा। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसा कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 ईस्वी में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा हमारे देश की प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, पक्षाघात का अर्थ होता है लकवा मारना, तो गर्दन के निचला उसका सर्वांग अचल सा हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, यह श्रीमती सुब्रमण्यम जी के शब्द थे। सबने एक स्वर में कहा कि आप पैसा व्यर्थ में ही पैसे बर्बाद कर रही हैं, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे इस रोग से मुक्त नहीं कर सकती है। श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ जो है अचानक से एकदम से अवरुद्ध हो गया, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेखिका कहती है कि फिर उन्होंने धीरे से स्वर में मुझे वह बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई भी आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु, इस लड़की को उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। ये सारे शब्द जो है श्रीमती सुब्रमण्यम जी के हैं। मैं निरंतर इसके जीवन के लिए भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर
या इधर उधर केवल देख सकती थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले भाग में पृष्ठ संख्या 19 से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।